दोस्तों, बॉलीवुड से ये वर्ष एक के बाद एक दुखद खबर सुनने को मिल रही है। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है। 71 साल की थी वह। बीती रात मुंबई के अस्पताल में निधन हुआ उनका। रात को 2 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली थी। सांस लेने की तकलीफ की वजह से उन्हें भर्ती किया गया था अस्पताल में। सांस लेने में दिक्कत की वजह से उनका देर रात देहांत हो गया। बॉलीवुड में उन्होंने बहुत सारे यादगार गाने जिनका कोरियोग्राफ सरोज खान ने ही किया था, और इसके लिए उन्हें कई बार बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। 2000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफ किया है। सरोज खान को बॉलीवुड में डांस का गुरु भी कहा जाता है। सरोज खान कई रियलिटी शो में जज भी रह चुके हैं। कुछ दिन पहले उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था जो नेगेटिव था। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को हुआ था। सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल था। सरोज खान ने 3 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म नागना थी। सरोज खान मुख्य फिल्मों में से एक मिस्टर इंडिया, नगीना, चांदनी, तेजाब जैसे फिल्मों में कोरियोग्राफ कर चुकी। सरोज खान ने माधुरी दीक्षित जैसे बड़ी बड़ी एक्टर को डांस सिखाया। आज भले ही सरोज खान हमारे बीच से चली गई हो, लेकिन बॉलीवुड में लोग उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा।